मुरादाबाद जनपद में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर भुगतान की मांग को लेकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारी नारेबाजी शुरू करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की दीवारों पर चढ़ गए और एक तरह से कब्जा कर लिया। जिलाधिकारी तो अपने कार्यालय में मौजूद ही नहीं थे, लेकिन अन्य पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर निकले तो किसानों का जबरदस्त हंगामा देखकर अधिकारी भी लाउड स्पीकर से किसानों को समझाने का प्रयास करते दिखाई दिए। हंगामा बढ़ते देख भारी पुलिस बल भी मौके पर बुला लिया गया, लेकिन किसानों की सिर्फ एक ही मांग थी कि भुगतान करो या उन्हें जेल भेज दो। ब्रजेंद्र सिंह यादव नाम है मेरा, भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश महासचिव हूँ। आज हमारी मुख्य भुगतान थी गन्ना भुगतान की और दूसरी थी बिजली की। शांतिपूर्वक किसान आंदोलन कर रहे थे और हमारा प्रयास है भाई हमारे किसानों को जरूरत है, बच्चों की फीस की, तमाम अगली फसल आ रही है उसके लिए गन्ने का भुगतान दिया जाए। तो अब गन्ने का भुगतान नहीं देकर यहाँ के अधिकारियों का रवैया बहुत असहयोगात्मक रहा। DM साहब किसानों के बीच नहीं रुके, उल्टे CO साहब किसानों को कह रहे कि तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा, अगर DM साहब ने निर्देश दिए तो किसानों में आक्रोश आ गया और आज हम इनसे हमने कह दिया या तो गन्ने का भुगतान दो या फिर हमें जेल भेजो। हाँ, अभद्र व्यवहार किया, जेल भेजने की किसानों को धमकी दी। DM कह रहे हैं कि DM का आदेश है हम तुम्हें जेल भेजेंगे तो हम कहाँ जेल से डरने वाले, हम जा रहे हैं कल से, अगर हमारा आज कोई पेमेंट सही समाधान नहीं होता है तो उत्तर प्रदेश का केंद्र बिंदु बना के मुरादाबाद जनपद से उत्तर प्रदेश से इस तरह आंदोलन शुरू हो जाएगा। बड़ा आंदोलन ADM है, जिला गन्ना अधिकारी हैं, ADM फाइनेंस है, वो कह रहे हैं कुछ अभी 38 करोड़ का करीब पेमेंट के चेक दे रहे हैं, लेकिन उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। कुछ नहीं बेकार, वो तो ब्याज भी नहीं है, बकाया करीब 360 करोड़ है। बिल्कुल, उन्हें बता दो मुरादाबाद जनपद का। नहीं, आंदोलन करेंगे यहाँ, हम हमारा आंदोलन का रूप बदलेंगे, ट्रेन रोकेंगे, सड़क रोकेंगे, हक लेके जाएंगे। और हमारा तो यहाँ तक अगर इन्होंने ये धमकी दी, हम तो मुरादाबाद जनपद से जो ट्रेन निकल रही है जहाँ जहाँ हमारे गांव से तो जा रही है, हमें क्या करना है, अपने बच्चों को ट्रेन में बैठाना है भाई, हमें कहीं ट्रेन से कहीं ले जाने तो नहीं है, हमारे गांव में जा रही है, अपने बच्चों को वहाँ जाकर बैठा देना है।